ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एडवांस लेक्चर टू। ठीक है, क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ ए फॉलोज, डिकम्पोजिशन ऑफ ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर टाइम टी, फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर टाइम टी गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज ए नॉट, गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज ए नॉट। करो देखो, याद करो तो सिंपल रिएक्शन थी ये वाली, इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था इसमें कि बी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ए इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, याद रखना। ये ऐसा मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ये कैसे, और ए की कंसंट्रेशन क्या होती थी याद करो, इसमें क्या लिखते थे, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, या फिर क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। सर ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया बेटा, ये यही तो फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये है, तो आपको ये वीडियो देखने का हक नहीं, हम मत दें, आप इस लाइक ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये है ऑलरेडी, जबकि हम कर चुके, इससे ये कैसे आता है, ऑलरेडी डन, तो ये हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना भाई, कि कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होती है बेसिकली, एक्स वो ये होती है, ये सब हम कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात, इनिशियल मान लो ए नॉट था, रिएक्टेड हुआ कितना एक्स, तो फाइनल कितना बचा ए नॉट माइनस एक्स, तो ये 3x और ये x, ठीक। तो बस आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टी क्या होगा, बताओ, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी ये होगा, तो ए टी क्या होगा, देखो इसको तुम डायरेक्टली इससे भी लिख सकते, फिर से आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ, ए टी, ए टी कितना है, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, एक्स क्या हो गया ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, देखो आ गया, यही तो बी आया था, सिंपल सी बात है। तो बस देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टी एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना 3x इज इक्वल टू 3 a नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना x इज इक्वल टू a नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। बस ये आपको याद होना चाहिए, अगर a से b जा रहा है तो at ये होता है और bt ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा ग्राफ बनाते हैं, तो ए की कंसंट्रेशन तो कम होगी है कि नहीं भाई, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लो, और ये देखो ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, सी की, मैक्सिमम ये देखो ये होगी ए की कंसंट्रेशन, क्यों भाई, ये वैल्यू क्या है ए नॉट है कि नहीं, तो ए की मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये टाइम है, और सी क्या है, ये बढ़ रहा है, और इनफाइनाइट टाइम पे सी किसके इक्वल हो जाएगा,
इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जीरो, ये थ्री है और ये एट, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी बी की कंसंट्रेशन। अब बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी? थ्री है नॉट, बस बना लो ग्राफ, ठीक है। देखिए ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था, ये आपको बेसिकली रिवीजन था, समझे ना? ध्यान रखना ए से बी बनता है, ए की कंसंट्रेशन ऐसे वेरी करती है, बी की कंसंट्रेशन ऐसे वेरी करती है। हेडिंग डालो, पैरेलल या फिर ब्रांचिंग रिएक्शन। सर देखो, लास्ट जो लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का, कोलिजन थ्योरी वाला, उसमें ये था, उसमें था, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं थे। देखो क्या था, ये बताता हूँ। जैसे सपोज ए से बी बन रहा है, सी बन रहा है और डी बन रहा है, ठीक दिया है कि सारी रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, सारी रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। तो ये K1, ये K2, ये K3, ठीक है। तो अब सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी A, ठीक, आफ्टर टाइम T क्या होगी? सपोज x ये बना तो क्या लिखोगे? a माइनस x, y ये बना माइनस y, z ये बना z। आफ्टर टाइम t इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? a माइनस x माइनस y माइनस z, ठीक। तीनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना कि सारी रिएक्शन जब तक बताया ना जाए हम क्या मान के चल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें देखो पहला पॉइंट, k इफेक्टिव क्या हो जाएगा? K1 plus K2 plus K3। दूसरा पॉइंट, 1 upon T half effective क्या हो जाएगा? 1 upon T half 1 plus 1 upon T half 2 plus 1 upon T half 3। और ये आएगा कहां से भाई? ये इसी से आएगा कि K effective is equal to 0.693 upon T half। अगला पॉइंट आपको क्या बताएगा कि भाई परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा? सपोज परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा? के वन अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा? के टू अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ डी क्या होगा? K3 upon K1 plus K2 plus K3 into 100, ठीक। After time T ये X बनाए, ये Y बनाए, ये Z बनाए, तो ये सारी बातें होंगी। पांचवा पॉइंट, K1 upon K2 क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इसी तरह के टू अपॉन के थ्री क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी, सॉरी बी नहीं, के वन अपॉन के टू होगा, हाँ बी अपॉन सी। के टू अपॉन के थ्री क्या होगा? ये डी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड एंड सो ऑन, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखो याद करो, जब ए से केवल बी बनता था तो ए क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये लिखते थे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर के क्या है? के इफेक्टिव
तो के इफेक्टिव क्या है, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू टी। सर ये आया कहां से के इफेक्टिव, ये भी अभी आपको बताता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या होगी, उसका फ्रैक्शन इंटू, याद करो वो क्या था, ए नॉट वन माइनस ई की पावर के इफेक्टिव इंटू टी। कंसंट्रेशन ऑफ सी टी क्या होगी, इसी तरह के टू अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री ए नॉट वन माइनस ये, इसी तरह डी भी आ जाएगा। समझे, ये सब आ जाएंगे। अब देखो एक और पॉइंट, अब बताओ ये आया कहां से, तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ बेटा, के वन ए, इसके लिए, इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के टू ए, इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के थ्री ए, तो टोटल जोड़ दो, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू ए, और ये क्या होना चाहिए था, के इफेक्टिव इंटू ए के, इसलिए इफेक्टिव, therefore के इफेक्टिव क्या हो जाता है, k1 प्लस k2 प्लस k3। समझे बात को, ठीक है। और क्या था, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या हुआ था भाई, ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी भाई, जीरो हो जाएगी, ये बताओ। आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम पे, जीरो, यानी ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, याद रखना। फिर इसमें नाइन पॉइंट टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, हम देखो ये ए है तो ये जाएगा तो क्या बनेंगे, ए, ये भी ए, ये भी ए, बोलो भाई बनेगा कि नहीं, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएंगे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, लिखो सर, टोटल मोल्स आफ्टर टाइम टी कितने होंगे, बताओ भाई, ए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ए की कंसंट्रेशन प्लस बी की प्लस सी की प्लस डी की इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। ये आठ पॉइंट हो, कायदे से मुझे इसको फर्स्ट पॉइंट देना चाहिए था सेवेंथ वाले को, ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट देना चाहिए था,
ठीक, लेकिन मैंने दिया नहीं, भूल गया, मुझे लगा ओबीएस से भी कराया ही था कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो ये समझ लो पैरेलल और ब्रांचिंग का पहला एग्जांपल। अब पैरेलल और ब्रांचिंग का दूसरा एग्जांपल, ये दिया है, ये टू बी और सी, जब तक कहां नहीं जाएगा सारी रिएक्शन को क्या मानोगे, फर्स्ट ऑर्डर निकालो इसमें, ये सारे नाइन नाइन के 9 पॉइंट निकालो, बल्कि 10 पॉइंट, ये 9th पॉइंट और ये 10th पॉइंट निकालो, सब सारा कुछ निकालो, फटाफट निकालो, 2 मिनट दे रहा हूं। अब देखो ये ऑल रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखो पहला पॉइंट मैं इसी से शुरू करूंगा, भाई यहां से जाएगा, सपोज करो ये इनिशियल ए था, आफ्टर टाइम टी मान लो एक्स रिएक्ट किया इस तरफ तो ये कितना बनेगा 2x, वाई रिएक्ट किया इस तरफ तो ये कितना बनेगा वाई, आफ्टर टाइम टी ये कितना बचेगा ए माइनस 2x माइनस वाई। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ए, एड कर दो तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू ए, और ये क्या होना चाहिए था के इफेक्टिव ए, तो देयर फोर यहां पर के इफेक्टिव क्या हो गया सीधे सीधे के वन प्लस के टू हो गया, दूसरा टी हाफ इफेक्टिव क्या होगा, मतलब के इफेक्टिव को क्या लिख सकते हो 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, और ये के वन प्लस के टू है तो ये के वन कितना होगा अपॉन टी हाफ वन प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ टू। तीसरा पॉइंट फिर से भाई परसेंटेज ऑफ बी, इस बार ये बताओ परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, भाई इस बार परसेंटेज ऑफ बी होगा 2k1 अपॉन 2k1 प्लस के टू, यहां 2 था ना यहां 1 था, इस बार परसेंटेज ऑफ बी होगा 2k1 अपॉन 2k1 प्लस k2 इनटू 100। परसेंटेज ऑफ सी होगा k2 अपॉन 2k1 प्लस k2 इनटू 100, समझे समझे ना। तीसरा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट क्या था भाई, at तो यही होगा a नॉट e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, बी टी कितना होगा फिर से भाई, उसका फ्रैक्शन 2k1 अपॉन 2k1 प्लस k2 इंटू a नॉट
वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। सर यहाँ पे टू नहीं आएगा, नहीं देखो यहाँ पर के इफेक्टिव आ रहा है तो के वन प्लस के टू आ रहा है, ई की पावर में के वन प्लस के टू आया और यहाँ फ्रैक्शन करते समय क्या आया, टू के वन अपॉन टू के वन प्लस के टू, समझे ना, क्योंकि k effective देखो यहाँ क्या लिखते हो, k effective लिखोगे ना 1 minus e की power minus k effective t, तो k effective तो हमारा k1 plus k2 है, लेकिन ये है। इसी तरह concentration of c at time t is equal to k2 upon 2 k1 plus k2 into a naught तो टू एक्स बनेगा ना, इसलिए होना चाहिए a माइनस x, x गया तभी तो यहाँ टू एक्स बना, तो टोटल मोल्स आफ्टर टाइम t कितने होंगे भाई, a के मोल्स प्लस बी के प्लस सी के इज इक्वल टू, ये कट गया ए प्लस एक्स, तो टोटल मोल्स आफ्टर टाइम टी कितने होंगे, ए प्लस एक्स, ठीक। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, अब देखो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, छठा पॉइंट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, जीरो, देयरफॉर a माइनस एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, a, ठीक है। अब देखो सातवां पॉइंट, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने होंगे, देखो टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, तो टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन हो जाएंगे सीधे सीधे टू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं भाई, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और x प्लस वाई क्या है, a, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, x प्लस a, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने होंगे, सॉरी ये गलत लिखा है, ये हो जाएगा 2a, नहीं 2a भी नहीं होगा, ये लिखो, देखो टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन, ये ए जो है ए का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, इसको ये नहीं लिख सकते यहां पर कि ये 2a बन जाएगा और ये a बन जाएगा, ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा a तो इधर गया नहीं, a का एक हिस्सा यहां गया, एक हिस्सा यहां गया, ठीक है, तो यहां पर टोटल मोल्स आफ्टर टाइम t कितने थे, a प्लस x,
यहां पर टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने होंगे? देखो भाई, मान लो यहां 2x बना, फाइनल bx है, 2x प्लस y, ठीक है, तो 2x प्लस y क्या होगा बताओ? इसको लिख सकते हैं x प्लस y, तो x प्लस a, तो x प्लस a क्या है? a से बड़ा है लेकिन 2a से छोटा है। टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन जो है वो 2a से कम होंगे और a से ज्यादा होंगे, क्योंकि x क्या है? पॉजिटिव है। तो जो इनिशियल मोल्स थे उसके डबल से कम होंगे, ठीक है। अगला, अब इस बार 2c किया है, करो इसमें सारा कुछ। ठीक है, अब इसके लिए सारी बातें करो, टोटल मोल्स आफ्टर टाइम टी हटा दो, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये रखो 6 मोल्ड। करो, ये थर्ड वाला है, ध्यान रखना जब तक ना कहा जाए तुम क्या मान के चलोगे कि फर्स्ट ऑर्डर है। ए से बी बनना है वो भी फर्स्ट ऑर्डर, ए से सी बनना है वो भी फर्स्ट ऑर्डर। इस बार मान लो इनिशियल 10 मान लो, अब करो देखो, इस बार मान लो ये था x रिएक्ट हुआ ये इधर, y रिएक्ट ये होगा, तो ये कितना बचा 10 माइनस x माइनस y, लेकिन ये बना 2x, ये बना 2y, इसके लिए यही लिखोगे, कोई फर्क से तो फर्क पड़ेगा नहीं भाई, यहां तो 1 ही है, तो बस 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 ये आ गया, ये आ गया, ये अब परसेंटेज ऑफ b, इस बार क्या होगा 2k1 / 2k1,
प्लस टू के टू, टू के टू, तो बेसिकली टू तो वहां से कैसे कट ही जाएगा, तो ठीक ही बात आ जाएगी। और यहां पर भी यही होगा, ये टू आएगा ये भी कट जाएगा, ये टू आएगा ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कंसंट्रेशन ये हो जाएगी, यानी x प्लस y कितना हो जाएगा, n, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, 2x प्लस 2y, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने हो गए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इनटू x प्लस y, 2 इनटू 10 इज इक्वल टू 20, और डबल होने ही थे क्योंकि यहां देखो इधर से भी डबल हो रहा है, इधर से भी डबल हो रहा है, पिछले वाले में देखो डबल से कम थे, डबल से क्यों कम थे, क्योंकि एक तरफ डबल हो रहा था एक तरफ डबल नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें इधर भी डबल, देखो इसीलिए सिंगल से ज्यादा लेकिन डबल से कम, और इस बार क्या दोनों तरफ टू टू है, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है बेटा कर लो ये। अब चलो ये करो, इसका भी इनिशियल 10, यहां पे भी क्या हो जाएगा 10 10 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल 10 होगी ना कंसंट्रेशन, इस बार फिर से इनिशियल मान लो a नॉट a, अब करो अब देखो ये सब कुछ यही रहेगा, बस यहां पर क्या होगा, इस बार क्या रहेगा भाई, b क्या हो जाएगा 2k1 और यहां क्या हो जाएगा 2k1 plus 3k2, मुझे उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा, यहां क्या हो जाएगा 3k2 upon 2k1 plus 3k2, ये 2k1 upon 2k1 plus 3k2, ये वैसे ही आ जाएगा 3k2 upon 2k1 plus 3k2, after infinite time क्या होगा भाई, ये अच्छा ये देखो ये जाएगा a minus x minus y, ये बनेगा 2x ये 3y, ठीक। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, a माइनस x माइनस y क्या हो जाएगा 0, यानी x प्लस y कितना हो गया a, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने हो जाएंगे भाई, आफ्टर रिएक्शन के बाद कितने हो जाएंगे 2x प्लस 3y, यानी 2x प्लस 2y प्लस y, यानी 2a प्लस y, देयरफॉर 2a से ज्यादा और 3a से कम, यानी डबल से ज्यादा होंगे ट्रिपल से कम होंगे, आप इसको देख के ही गेस कर रहे थे कि 2 2 तो है मिनिमम, अगर यहां पे 2 भी होता दोनों तरफ 2 2 होता तो ये डबल हो जाता, दोनों तरफ ये 2 2 होता तो क्या होता डबल हो जाता, लेकिन एक तरफ अगर ये 3 आ रहा है, एक तरफ ये 2 है एक तरफ ये क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा
डबल से ज्यादा और ट्रिपल से कम। तो देखो हम इन जनरल कर सकते हैं, लिखो ये फिर जनरलाइज करता हूं। देखो जनरलाइज करें तो मैं यहां लिखूंगा N1B और यहां लिखूंगा N2B। अब बताओ ये हो जाएगा N1X N2Y, ये अभी भी ये रहेगा सब कुछ। यहां क्या आ जाएगा N1K1 अपॉन N1K1 प्लस N2K2, यहां क्या आ जाएगा N2K2 अपॉन N1K1 प्लस N2K2, ठीक है ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर क्या रहेगा N1 N1 N2 N2 N1 N2, ठीक है ये आ जाएगा। फिर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ टी जीरो हो जाएगी, यानी ये तो यही आ जाएगा एक ये इक्वेशन आपको मिलेगी। और टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने हो जाएंगे बताओ N1X प्लस N2Y। अब देखो एक बात मैं और लिख सकता हूं कि कभी भी कंसंट्रेशन A की जो जितनी शुरू में थी वो कितनी है बताओ A माइनस X माइनस Y प्लस बताना, ये सही बात लिख रहा हूं कि नहीं। बताओ ये बात सही लिखी कि गलत, भाई N1 N1 कट गया N2 N2 कट गया X प्लस Y आ गया, यानी ये बात हमेशा वैलिड होगी। ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ B, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समझिए सॉरी ये लिखना और ऐसे ब्रांचिंग करना ये एक ही बात है, समझ गया ना। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखना, वो और ये एक ही बात है, ठीक है ना। ठीक अब देखो टू एजिप्स बी सी के वन के टू फाइंड आउट the half life, find out the k effective and half life, find out the k effective and half life if a all reactions are first order, b all reactions are elementary reactions, a all reactions are first order, b
ऑल रिएक्शन आर एलिमेंट्री रिएक्शन. करो अरे देखो एक चीज बताने के लिए, जो ये रिएक्शन थी बिल्कुल सिंपल, करो अच्छा करो, इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है? K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2. सर लर्न तो कर लेंगे लेकिन प्रूफ दो, तो प्रूफ ट्राई हिंट दे रहा हूं यूजिंग आरएनएस इक्वेशन dLnK/dt. ये फॉर्मेट था, इसमें इस फॉर्मेट का यूज करके ये प्रूफ करो, कोशिश करना. वैसे ये याद रखनी है, ये ब्रांचिंग रिएक्शन में ये होता है. प्रूफ करना है तो इसकी हेल्प से प्रूफ हो जाएगा. ये करो इसमें पहली बात, अब जब डिफरेंशिएशन थोड़ा बदल जाएगा. पहला केस क्या था? पहला केस था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. देखना ध्यान से, तो क्या लिखोगे? -1/2 dA/dt इज इक्वल टू K1 है, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू K2 है. तो क्या लिखोगे ओवरऑल? ये फिर से वही आ गया. इसका मतलब भाई रेट यही तो लिखोगे ना, ठीक? तो रेट ऑफ रिएक्शन यही तो लिखते थे. तो इसका मतलब ये है कि सर जब तक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब तक यहां या यहां या यहां कोई भी नंबर आप लगा दो कि इफेक्टिव क्या आएगा? K1 + K2. देखो इट मींस, मतलब अब लिखाऊंगा कैसे, मतलब यहां पर या यहां पर आप कुछ भी लगा दो. सपोज ये N1, ये N2, ये N3, तब भी क्या होगा? K इफेक्टिव क्या होगा? K1 + K2 गिवन कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहां भी कुछ भी लगा दो, इट डज नॉट मैटर. कब तक? जब तक ये गिवन है कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब तक यहां पे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक? दूसरा, अब देखो बात खतरनाक हो जाती है जब वो कह रहा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन में याद करो क्या करते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते थे. तो इस बार क्या लिखोगे? K1 A² एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए. एलिमेंट्री रिएक्शन लिखोगे अगर
एलिमेंट्री रिएक्शन में तो जो यहाँ लिखा है वो पावर में आएगा, और ये के टू स्क्वायर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। तो अभी भी के इफेक्टिव तो अभी भी वही रहा, खुद देखो के इफेक्टिव चेंज हुआ नहीं, लेकिन हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि याद करो इन सेकेंड ऑर्डर, अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई ना, इन सेकेंड ऑर्डर टी हाफ क्या था, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता था, वन अपॉन सी नॉट के, यही होता था ना। बताओ भाई के इफेक्टिव क्या लिखोगे, के इफेक्टिव इज इक्वल टू के वन प्लस के टू है, तो इसमें हाफ लाइफ क्या हो जाती थी याद करो, वन अपॉन क्या होती थी हाफ लाइफ, सी नॉट यानी ए इंटू टी हाफ इफेक्टिव। हाँ भाई सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती थी बताओ, टी हाफ क्या होता था, वन अपॉन सी के सी नॉट के होता था, तो बस के इफेक्टिव यहां गया इज इक्वल टू वन अपॉन ये क्या है ए टी हाफ वन प्लस वन अपॉन ए टी हाफ टू। अरे सर ये फिर से वही आ गया, ये भी वही आ गया, बताओ तो सेकेंड ऑर्डर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क पड़ा बताओ। ठीक है लिख लो भाई, ठीक। अब देखो फाइंड आउट माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी सब निकालो। अच्छा ये हमेशा वैलिड है इररिस्पेक्टिव ऑफ एन वन एन टू एन थ्री, ये इंडिपेंडेंट है किससे, ऑफ एन वन एन टू एन थ्री से, ये ध्यान रखना, प्रूफ करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। ये तो देखो इसमें डी ए बाई डी टी निकालते हैं, तो इसके हिसाब से माइनस डी ए बाई डी टी निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये सपोज के वन के टू के थ्री, के वन है इसके हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी हाफ, इस पे आ जाएगा टू के वन के टू ए स्क्वायर, और इसके हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन थ्री डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए का क्यूब, ये इधर चला गया तो ऐड कर दो ऑन एडिशन, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए प्लस टू के टू ए स्क्वायर प्लस थ्री के थ्री ए क्यूब। ठीक है अब हाफ लाइफ तो इसमें अलग ही अलग सबके निकालनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा निकाल ही नहीं पाओगे तो हाफ लाइफ। ठीक डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं भाई, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस प्लस के वन ए
डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ए स्क्वायर और डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए का क्यूब। अभी तक तो देखिए इस पे फॉर्मेट सी करा रहा था, तो अब क्वेश्चन कराता हूं जो रियल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिख लो प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। करो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट कराएंगे आप। अरे ये वाले फॉर्मेट जो है ये मैंने ढूंढा, किसी बुक में नहीं मिला, किसी बुक में भी नहीं मिला, मतलब कहीं मिला ही नहीं ये वाला फॉर्मेट, ये वाला खास कर। देखो सपोज इससे क्या x y z, तो ये वाला 2x
ये वाला 3y, ये वाला z, एग्री कर रहे हो? अब कंसंट्रेशन ऑफ a निकालो, तो a गिरे तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर a, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर a क्या लिखोगे कि भाई k इज इक्वल टू 2.303। अच्छा पहली बात तो k इफेक्टिव क्या हो जाएगा a के लिए, k इफेक्टिव हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0.5 मिनट इनवर्स, ठीक है? तो बस तो फर्स्ट ऑर्डर के a के लिए लगा दो, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of a अपॉन a माइनस x, मान तो ये बात, t को इधर ले जाओ k को, अब ये दिया है ठीक है, तो वैल्यू रख दो, तो k कितना है 0.5, 2.303, टाइम कितना है 4.606, log of a नॉट कितना है 1 अपॉन a t, ये दिख ही रहा है, ये इससे कितनी बार कटेगा 0.5 बार, ये पूरा कट जाएगा, यानी log 1 अपॉन a t इज इक्वल टू 1, 1 क्या होता है log 10, तो देयरफॉर ये लिख देता हूं 1 अपॉन a t इज इक्वल टू 10, इट इंप्लाइज a t इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1, तो बस यानी a t था कितना, ये देखो ये था a t, तो देखो हम क्या लिखेंगे 0.1 इज इक्वल a t के कितना था 1 माइनस x माइनस y माइनस z 0.1, तो देयरफॉर ये हमारी आई पहली इक्वेशन, ठीक। अब सर x y z कैसे निकालेंगे याद करो, ये है अब x अपॉन y, a की तरफ से x ये गया y ये गया z ये गया, x अपॉन y क्या हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ गलती करते हैं बच्चे, k1 अपॉन k2 0.1 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू हाफ, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x, ठीक। दूसरा पॉइंट ठीक है कि अब x अपॉन y आने x अपॉन z निकालो, x अपॉन z इज इक्वल टू k1 अपॉन k3 यानी 0.1 अपॉन 0.2, तो ये भी हाफ आ गया, तो z भी कितना आ गया 2x, तो ये को पुट इन इक्वेशन 1, यानी 1 माइनस x माइनस y कितना है 2x माइनस z कितना है 2x इज इक्वल टू 0.1, तो 1 माइनस 5x इज इक्वल टू 0.1, दिस इंप्लाइज 5x इज इक्वल टू 0.9 यानी x इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 5, ठीक। x इज इक्वल टू कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं की भाई 0.9 अपॉन 5, तो बस अब सब कुछ आ गया, इधर देखो देखो कंसंट्रेशन ऑफ a तो आपको पता ही है कितनी हो जाएगी 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ b कितनी हो जाएगी 2x यानी 2 इंटू 0.9 अपॉन 5 यानी 1.8 अपॉन 5, कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगी 3y y यानी 6x यानी 6 इंटू 0.9 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5.4 अपॉन 5, और कंसंट्रेशन ऑफ डी कितनी है भाई z कितना है 2x इक्वल टू 1.8 अपॉन 5, बस सॉल्व कर लो, सॉल्व करके पॉइंट 9 अपॉन 0.36 आ जाएगा, 0.36 ये 1.08 और ये 0.36,
ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा सही हुआ कि गलत चेक कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ सी इन रिजल्टेंट, खुद बताओ क्या हुआ परसेंटेज ऑफ सी, 3K2 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 प्लस K3 इंटू 100, ठीक है भाई। ये करोगे तो 60% आ जाएगा अगर इस फॉर्मूले से देखोगे, और ये भी देखो ये कितना है, अगर इससे करो तो परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 1.08 अपॉन 0.36 प्लस 1.08 प्लस 0.36 इंटू 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 60%, ठीक है। तो ये टफ सवाल था। अगला सवाल लिख लीजिए इसको, तो इस टाइप से आ सकता है, मैंने ए बी सी तीनों की निकाली, हो सकता है वो किसी भी एक की ही निकलवाए, ठीक है। क्वेश्चन अब ये तो आप एकदम बेबी क्वेश्चन की तरह कर लोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 2.4 गिवन है K1:K2:K3 इज इक्वल टू 1 - 1:2:3, फाइंड ए इंफिनिटी B infinity, C infinity, D करो। चाहो तो पॉज कर लो 5 मिनट, ऐसा करो पॉज कर लो 5 मिनट यहाँ पे, ठीक है, फिर करो 5 मिनट पॉज कर लो, जिसने पॉज किया होगा उस देखे। ये मान लो फिर भी बात कि 2.4 है, इससे मान लो x ये गया कि बी सी डी नहीं, क्वेश्चन ठीक करो 2B C और 3D, ये करो अब करो अब करो भाई अब करो, वो तो बहुत आसान था। देखो इससे तो गया होगा कितना x - y - z, ये 2x बना होगा, ये y बना होगा, ये 3z बना होगा, ठीक। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, या वो खर्चा कितना हुआ x - y - z, यानी After infinite time, concentration of A at t is equal to zero,
यानी 2.4 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 2.4। इसको यहां मैंने मैथमेटिकली किया है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 2.4 था, खर्चा कितना होगा, इधर एक्स इधर वाई इधर जेड, तो जब इनफाइनाइट टाइम हो गया होगा तो टोटल खर्चा कितना हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो किसके इक्वल होगा 2.4 के। तो बस अब इससे एक्स अपॉन वाई के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक, और एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू के वन अपॉन के थ्री यानी 1/3, यानी जेड इज इक्वल टू 3x। बस पुट कर दो 14 एक्स प्लस वाई कितना है 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2.4, तो 6x इज इक्वल टू 2.4, x इज इक्वल टू 0.2। तो बस देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इनफाइनाइट टाइम 2x यानी 2 × 0.4 इज इक्वल टू 0.8। कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं C at infinite time is equal to y, y is equal to 2x, yani 0.8. Concentration of D at infinite time is equal to 3z, z is equal to 3x, yani 9x, yani 9 into 0.4 is equal to 3.6. Or A at infinite time kya ho jayega, obviously 0. करो जल्दी, एक बज गया रात के। ये अवस्थी का क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन नहीं है अवस्थी में, इसलिए करा दे रहा हूं। हो सकता है मेरे वाला पुराना एडिशन हो, इस एडिशन में इसका सॉल्यूशन नहीं है। टी इज इक्वल टू 0 पर इसके वन मोल थे, K1:K2:K3 दिया है, 4:2:3। If half life of reaction, देखो if overall half life of reaction is 15 days, if overall half life of reaction is 15 days, then calculate concentration of ABCD after concentration of ABCD after 45 days. पॉज कर लो भाई, 3, 8, 3, पॉज कर लो, 5-10 मिनट लगाओ, सवाल करो फिर इधर आओ। अब देखो
देखिए ये है K1, K2, K3। ये वन मोल है तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर है तो 15 दिनों में कितना हुआ होगा हाफ मोल, फिर अगले 15 दिनों में कितना हुआ होगा 1/4, अगले 15 दिनों में कितना हो गया होगा एक कंसंट्रेशन 1/8, टोटल 45 दिन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 45 डेज कितनी हो गई 1/8 मोल्स, ठीक है, मान लो पर लीटर का या मोल्स ही बोल लो इसको, मोल्स ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक। अब फिर वही बात, अब मान लो इससे एक्स गया ये, वाई गया ये, जेड गया ये बनेगा 3x 8y और 3z, ठीक है। तो अब बताओ क्या लिखेंगे भाई, वन बाई एट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स, ये लिखोगे भाई टाइम टी पे, सपोज ये कंसंट्रेशन है 1 - x - z, तो हमारे हिसाब से कितनी 1/8 इज इक्वल टू दिस। अब फिर वही बात, एक्स अपॉन वाई क्या होगा, K1 अपॉन K2 यानी 4/2 यानी 2, यानी एक्स इज इक्वल टू 2y। फिर एक्स अपॉन जेड कितना होगा, x अपॉन z K1 अपॉन K3 इज इक्वल टू 4/3, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3/4x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/2x, पुट कर दो 14/1, तो 1/8 इज इक्वल टू 1 - x - मैंने सही किया ना, x अपॉन z 4/3, ठीक है, 1 - x - 1/2x - 3/4x, ठीक है। तो ये जरा सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 1 - 4x + 2x + 3x / 4, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 - 9x / 4, इसको इधर ले जाओ, 9x/4 = 1 - 1/8 = 7/8, ये कट गया, तो x कितना आ गया 7/18 आ गया, x आ गया 7/18, ठीक। तो अब खुद बताओ कंसंट्रेशन ऑफ a यानी मोल्स ऑफ a 45 दिन के बाद कितने आए 1/8, मोल्स ऑफ बी क्या होगा 3x, 3x यानी 21/18, मोल्स ऑफ सी क्या होगा बताओ भाई 8y, y क्या है 1/2x इंटू 1/2 इंटू एक्स कितना है, एक्स कितना है 7/18, ये कट ऑफ 4 times, ये 2 times, ये 9 times, तो ये कितना, एक मिनट कैलकुलेशन करवा दिया, 8 × y कितना है 1/2x, 1/2 × x कितना है 7/18, ठीक है, 2 9 × 2 = 4 × 2, ये आ गया 14/9, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डी 3z, तो z कितना था 3/4x, x कितना है, x कितना है 7/18, तो ये कटा, ये आया 2, ये आ गया 7/8, ठीक है भाई। इसका आंसर गलत दिया है उसमें अवस्थी में आंसर 7 दिया है इसका। देखिएगा आपके पास अगर नया एडिशन हो, गलत है आंसर, 7 हो ही नहीं सकता सर, 7 क्यों नहीं हो सकता, कुछ सोचो, अगर ये पूरा पूरा इसी में जाता
तब भी ये सेवन नहीं हो पाता। भाई खर्चा ही कितना हुआ है, 7/8 खर्चा हुआ है, 7 तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा मैं समझ गया, बिल्कुल ही गलत है 7, बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर अवस्थी, पता अवस्थी में भी गलत है यार, कहां जाएगा बच्चा, क्या करेगा, समझ गए। तो सर हम कैसे मान लें आपने सही किया है? चलो भाई मत मानो, ऐसा करो वो जो परसेंटेज वाला सवाल नहीं था कि परसेंटेज ऑफ बी क्या हुआ बताओ, 3K1/3K1+8K2+3K3×100, ये करके देखो अगर ये आ रहा है मतलब मैंने सही किया, अवस्थी ने गलत किया, ठीक है। और पर्सनली अगर मिलोगे तो अवस्थी में आंसर 7 है, वो मैं समझा दूंगा कैसे गलत है, ठीक है भाई। तो सवा 1:10 हो गया, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी है, कैलकुलेटिव ज्यादा है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.25 एमवी है, K1 दिया है 1.5×10^-5 सेकंड इनवर्स, K2 दिया है 5×10^-6 सेकंड इनवर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी कैलकुलेट, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड बी आफ्टर 5 hours, एक कर लेना यार, मैं आंसर बता देता हूं। सी का होगा, देखिए आंसर क्या मैं बता देता हूं, बीच में आपका आएगा क्या, चलो मैं कर ही देता हूं यार, तुम ट्राई करो पॉज करके। सबसे पहले तुम्हें ए का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा 5 घंटे के बाद, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए क्या लिखोगे, K = 2.303/t log of A/concentration at time t। अब के इफेक्टिव क्या होगा, K1+K2, तो K1 1.5×10^-5, K2 0.5×10^-5। सर ये गलत तो नहीं लिखा, नहीं बेटा ध्यान से देखो, ये -6 है, -5 लिखा है, इसमें दिक्कत है तो पढ़ाई छोड़ दो, ये आ गया। अब दिक्कत ये सवाल मुझे फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें दिया सेकंड इनवर्स और यहाँ यूनिट दी है क्या, घंटे की, तो पहले घंटे को यार चेंज करो, किसमें, सेकंड में, क्यों, के की और टी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, तो 2×10^-5 = 2.303/t, ये कितना 5 घंटे, यानी 60 मिनट, यानी 60 सेकंड। सर आप तो कहते थे यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डे ले लो चाहे जो ले लो, अरे भाई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये और ये सामने सामने यूनिट दिख रहे हो ना, ये भी टाइम इनवर्स, ये भी टाइम इनवर्स, तो यूनिट तो सेकंड सेकंड हो गए ना, या मिनट, इसको मिनट में कर लो, लॉग ऑफ 0.25/80, ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने पर 80 आ जाएगा, 0.1744, तो बस फिर वही बात, तो 80 कितना हो जाएगा, 0.25 −x − y, ठीक है, 80 ये हो जाएगा,
इसका मतलब 0.1744 इज इक्वल टू 0.25 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.1744 आएगा 0.0756। तो x प्लस वाई कितना आ गया 0.0756। अब देखो अब ये बना कितना होगा, अगर ये वन खर्चा हो, अगर ये पांच खर्चा होता है तो ये एक बनता है, ये एक खर्चा होगा तो कितना बनेगा 1/5x, है कि नहीं। अगर ये पांच खर्चा होता तो ये दो बनता है, तो ये y खर्चा हुआ तो ये 2/5y। अब फिर वही बात कि x अपॉन y क्या लिखोगे, k1 अपॉन k2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो x is equal to 3y इसमें पुट कर दो तो 4y is equal to 0.0756, तो y कितना आ गया 0.756 upon 4। हमें चाहिए क्या c, तो concentration of c क्या होगा 2 upon 5 into y, ये 2 times c कितना आएगा 0.00756। ठीक है भाई, बहुत चुन चुन के बेटा क्वेश्चन निकाले, इसने चुन चुन के तो ऑलआउट बच्चों को भी नहीं मारता। तो सोचा था कि बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बीच में एक जगह फोन गिर गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने दूसरा किया, आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं बीच में कि दोबारा मैंने पढ़ाया कहीं, बीच में एक जगह रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 55-56 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा मैंने कराया ये अभी। तो अब इसके बाद कल हम और करेंगे, कल हम सरफेस केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री इसके अलावा काइनेटिक्स के हम मान लीजिए दो लेक्चर दो दो घंटे के और बसते हैं एडवांस के, ठीक है। थैंक यू।